और इस वक्त की बड़ी खबर का रुख कर रहे हैं कॉमनवेल्थ गेम्स से मिल रही है, जहां पर विमेन क्रिकेट टी20 में भारत का परचम लहराया है। भारत जीत चुका है, भारत ने पाकिस्तान को 8 विकेट से शिकस्त दी है। स्मृति मंधाना ने नॉट आउट 63 रन बनाए हैं। 12वें ओवर में हासिल किया है हदफ। स्मृति मंधाना ने चेज करते हुए टी20 में 1000 रन मुकम्मल किए हैं। तो तूफानी पारी खेली है और स्मृति मंधाना के तूफान से पाकिस्तानी टीम के परखच चोड़ गए हैं। 12वें ओवर में ही भारत ने यह मैच अपने नाम कर लिया है। इस वक्त ये सबसे बड़ी खबर है। कॉमनवेल्थ गेम्स का आगाज जब से हुआ है, भारत लगातार शानदार मुजाहरा कर रहा है, शानदार प्रदर्शन कर रहा है, और इसकी एक झलक विमेन क्रिकेट टीम में भी देखने को मिल रही है, जहां पर टीम इंडिया ने स्मृति मंधाना की दमदार पारी की बदौलत पाकिस्तान को 8 विकेट से शिकस्त दी है। आपको बता दें कि कॉमनवेल्थ गेम्स में 2022 में भारत की ये पहली जीत है, जिसमें पाकिस्तान पहले बैटिंग करते हुए सिर्फ 99 रन ही बना पाया, लेकिन हिंदुस्तान ने जो परचम लहराया है वो काबिले तारीफ है। भारत ने पाकिस्तान को 8 विकेट से शिकस्त दी है। स्मृति मंधाना ने नॉट आउट 63 रन बनाए हैं। 12वें ओवर में ये हदफ हासिल किया है टीम इंडिया ने। तो इस वक्त की ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, टीम इंडिया ने स्मृति मंधाना की दमदार पारी की बदौलत पाकिस्तान को 8 विकेट से शिकस्त दी है। कॉमनवेल्थ गेम्स 2022 में शानदार मुजाहरा हिंदुस्तान की टीम का, और भारत की ये पहली जीत क्रिकेट में, जहां पाकिस्तान पहले बैटिंग करते हुए 99 रन ही बना पाया, और इसके बाद टीम इंडिया ने इस टारगेट को बड़े ही आसानी से हासिल कर लिया है। बहुत शानदार जीत इसे कहा जाएगा टी20 में, जो कहा जा रहा है कि सिर्फ अपनी जो परफॉर्मेंस है उसके जरिए 8 विकेट से हराया है भारत ने पाकिस्तान को। स्मृति मंधाना ने नॉट आउट 63 रन बनाए हैं। हालांकि इस मुकाबले की बात की जाए तो पाकिस्तान ने टॉस जीतकर पहले बैटिंग करने का फैसला किया था, जो कि उसके लिए गलत साबित हुआ, और इससे पहले बारिश की वजह से मैच पहले 18 ओवर कर दिया गया था, और उसके बाद हिंदुस्तानी बॉलर्स ने आगे पाकिस्तानी टीम के परखच्चे उड़ा दिए, और उसकी जो टीम थी, पाकिस्तान की जो टीम थी, वो पत्तों की तरह, ताश के पत्तों की तरह बिखरती चली गई। पाकिस्तान ने 18 ओवर में 99 रन ही बनाए और पूरी टीम ऑल आउट हो गई, जिसके बाद इसके जवाब में भारत ने 12वें ओवर में ही इस जीत को हासिल कर लिया है। ये टारगेट अचीव करते हुए सिर्फ 2 विकेट गंवाए और शानदार पारी खेलते हुए पाकिस्तान टीम के हर एक खिलाड़ी को पवेलियन पहुंचा दिया। टीम इंडिया की बैटिंग में जबरदस्त शुरुआत करते हुए स्मृति मंधाना और शेफाली वर्मा ने टीम को जबरदस्त शुरुआत दिलवाई, और इस दौरान शेफाली वर्मा ने 9 बॉल में 16 रन बनाकर वो हालांकि आउट हो गई थी, और उसके बाद इस दौरान एक सिक्स भी उन्होंने लगाया था। शेफाली और स्मृति के बीच 35 बॉल में 64 रनों की साझेदारी हुई, और ये सिलसिला जब आगे बढ़ता है तो पाकिस्तान को शिकस्त दे देता है। स्मृति मंधाना की बात की जाए तो 42 बॉल में 63 रनों की ताबड़तोड़ पारी खेली है, और अपनी इस इनिंग के दौरान स्मृति ने 8 चौके और 3 छक्के भी लगाए हैं। लंबे वक्त से एक बड़ी पारी का इंतजार कर रही स्मृति मंधाना ने पाकिस्तान के बॉलर्स पर अपना जमकर कहर ढाया है, और इस जीत के साथ ही टीम इंडिया अपने ग्रुप में टॉप पर पहुंच गई है। भारत के 2 पॉइंट्स हैं, लेकिन उसका नेट रन रेट जो है वो काफ़ी ज़्यादा है, और इसमें आपको ये भी बता दें कि पाकिस्तान ने अपने शुरुआती दोनों मैच गंवाए हैं और वो ग्रुप में सबसे नीचे हैं। इंडिया के बाद अगर बात की जाए तो बारबाडोस है, और उसके बाद फिर ऑस्ट्रेलिया की टीम आती है, देन पाकिस्तान की टीम आती है। तो पाकिस्तान की बल्लेबाजी की हालत ख़राब थी, और हिंदुस्तान ने अपनी मजबूती के साथ भी परचम लहराया है कॉमनवेल्थ गेम्स में, जो शानदार पारी खेली है। पाकिस्तान की टीम सिर्फ 99 रन पर ऑल आउट हो गई है, और पाकिस्तान की तरफ से हालांकि जो कोशिशें की गई थी वो नाकाफी साबित हुई है।